हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। पिछले वीडियो में मैंने SOF नेशनल साइबर ओलंपियाड 21-22 के लिए प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए क्लास 2 के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें से करीब मैंने 20 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ और आज हम 21 क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑप्शन ए स्पेशल फंक्शंस की F2, बी दिस की इज यूज इन कम्बिनेशन विथ अदर की टू टाइप द अपर सिंबल अवेलेबल ऑन द नंबर की Alt, सी द की इज यूज टू कैंसल अ मीनू और डायलॉग बॉक्स कैप्स लॉक एंड ऑप्शन डी दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर होम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेशल फंक्शंस की इज F2 फंक्शंस। अदर्स की के बारे में भी हम जान लेंगे। अल्ट की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज टू चेंज द फंक्शन ऑफ अदर की व्हेन प्रेस सिमटेनियसली। अल्ट की कंप्यूटर कीबोर्ड में यूज़ किया जाता है और इस की को यूज़ करने पर की के अपने अदर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड कैपिटलाइज द लेटर इट इज ए टॉगल की। कैप्स लॉक की मदद से हम कंप्यूटर्स में कीबोर्ड से कैपिटल में लेटर लिख सकते हैं और इसे टॉगल की भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है होम की। होम की इज प्राइमली यूज टू रिटर्न द टाइपिंग कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करेंटली टाइपिंग। होम की का यूज जनरली टाइपिंग करते समय कर्सर को स्टार्टिंग लाइन पर लाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन ए अ माउस कैन बी वायरलेस, टू अ कीबोर्ड कैन बी वायरलेस, थ्री टच स्क्रीन कंप्यूटर आर यूज फॉर बोथ डाटा इनपुट एंड डिस्प्लेइंग थिंग्स, एंड डी ऑप्टिकल माउस हैज ए बॉल इनसाइड इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टू इंसर्ट डॉलर साइन इन डॉक्यूमेंट यू शुड। अगर हमें डॉक्यूमेंट में ये साइन को इंसर्ट करना है तो हमें क्या प्रेस करना है। ऑप्शन ए प्रेस द डॉलर फोर की, बी टर्न ऑफ द नमलॉक की एंड देन प्रेस की, ऑप्शन सी होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द डॉलर फोर की, एंड ऑप्शन डी होल्ड द अल्ट की एंड देन प्रेस द डॉलर फोर की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द डॉलर फोर की। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द शेप मार्क एज एक्स इन गिवन इमेज ऑफ MS पेंट इन विंडो। ये साइन हमें देखना है, ये साइन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा साइन होता है। ऑप्शन ए पेंटागोन, बी ओवल कॉल आउट, सी डायमंड एंड डी क्लाउड कॉल आउट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओवल कॉल आउट। ये साइन को देखने के लिए गो टू एक्सेस दिस फीचर्स ऑफ MS पेंट, गो टू होम टैब एंड शेप्स ग्रुप। सबसे पहले हम MS पेंट पर जाएंगे, फिर होम टैब्स की पे एंड देन शेप ग्रुप में जाकर इस शेप को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन व्हेन परफॉर्म ऑन रिसाइकिल बिन आइकॉन ऑन विंडो 7 विल डिस्प्ले द गिवन विंडो। इनमें से हमें माउस की मदद से रिसाइकिल बिन आइकॉन विंडो 7 में डिस्प्ले करना है तो हम
क्या क्लिक करेंगे, माउस में हम क्या जाकर क्लिक करेंगे। ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक, बी राइट क्लिक, सी डबल क्लिक एंड डी ड्रैग एंड ड्रॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डबल क्लिक। डबल क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकॉन टू डिस्प्ले द विंडो। डबल क्लिक हम रिसाइकल बिन पर, रिसाइकल बिन आइकॉन पर करेंगे तो विंडो में यह डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस पेंट शेप इज यूज टू ड्रॉ द गिवन इमेज। एमएस पेंट में हम इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए लाइन टूल्स, बी स्क्वायर शेप, सी स्टार शेप एंड डी रेक्टेंगल शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइन शेप। ओनली लाइन शेप इज यूज टू ड्रॉ द गिवन इमेज। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज आईपैड टच। व्हाट इज आईपॉड टच। आईपॉड टच क्या होता है। ऑप्शन ए एप्पल्स लेटेस्ट मोबाइल फोन, बी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर प्रोड्यूस बाय एप्पल इंक, सी एप्पल्स लेटेस्ट टैबलेट पीसी एंड डी अ वर्जन ऑफ द पॉपुलर आईट्यून्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर प्रोड्यूस बाय एप्पल इंक। क्वेश्चन नंबर 28। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ सेव अ फाइल इन एमएस पेंट ऑफ विंडोज 7 इज। एमएस पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए डॉट पी एन जी, बी डॉट बिट मैप, सी डॉट जे पी ई सी एंड डी डॉट डी ओ सी एक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉट पी एन जी। पी एन जी द डिफॉल्ट एक्सटेंशन टू सेव अ फाइल इन एमएस पेंट। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन डिवाइस। ये डिवाइस दिया गया है, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी इंटर बाय डायरेक्टली टचिंग द आइटम ऑन स्क्रीन। यह एक स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसमें विभिन्न प्रकार के डायरेक्टली हम इसको इसके स्क्रीन को टच करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बी अ लाइट वेट कैलकुलेटर डैट ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लाइट वेट का कैलकुलेटर है जिससे हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन सी एन इंटेलिजेंट मशीन डैट हैव सेंस ऑर्गेन लाइक ह्यूमन। यह एक इंटेलिजेंट मशीन है जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह, इनमें सेंस ऑर्गेन भी है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज अ गिवन डिवाइस इज टैबलेट कंप्यूटर विच इज ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30। मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन एंड कॉलम बी को हमें मैच करना है। ऑप्शन ए इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन कंप्यूटर। ऑप्शन बी इट इज यूज टू लिसन साउंड एंड डी इट इज सर्किट बोर्ड फाउंड इन साइड द CPU। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इट इज ए रिकॉर्ड वॉइस इन कंप्यूटर, इट इज यूज टू लिसन साउंड एंड थर्ड इट इज सर्किट बोर्ड टच इन साइड द CPU। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31। अ टच पैड इज पॉइंटिंग डिवाइस डैट कैन बी यूज फॉर मूविंग द पॉइंटर अपियरिंग ऑन स्क्रीन बाय मूविंग फिंगर ऑन द फ्लैट सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जनरली इंक्लूड्स अ टच पैड। यह एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम स्क्रीन पर टच करके फिंगर से उसके सरफेस को हम टच कर सकते हैं और किसी भी इमेज को या किसी भी चीज़ को पॉइंटिंग करके उसको हम मूव कर सकते हैं या खोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जनरली इंक्लूड अ टच पैड। इसमें से ये कौन सा टच पैड डिवाइस है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी हेडफोन, सी मोबाइल एंड डी एंड्रॉयड मोबाइल।
So correct answer is option D, Android mobile. Question number 32. Which of the following statements hold true about the term password? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पासवर्ड के लिए सही है, स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू, और कौन से ऑप्शंस सही हैं? स्टेटमेंट वन, इट इज अ सीक्रेट सीरीज ऑफ कैरेक्टर यूज टू कीप योर कंप्यूटर सेफ। यह एक सीक्रेट सीरीज कैरेक्टर्स होता है जो कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है। एंड स्टेटमेंट टू, इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल। इसे अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट वन, बी ओनली स्टेटमेंट टू, सी बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, एंड डी नाइदर स्टेटमेंट वन एंड नॉर स्टेटमेंट टू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following statement is correct regarding the command button mark as X and Y in MS Paint? Mark X and Y जो MS Paint है, इसके according कौन सा statement सही है? Option A, X reverse the current selection and Y select the entire drawing. B, X change the height and width select drawing and Y select the entire drawing. C, both command button rotate the select drawing, and D, both command button change the degree of the given degree of the entire drawing. So correct answer is option A. The following command button are available in select drop down of image group of home tab. Question number 34. Absorb the snapshot given here carefully. Which of the following key would you press the highlight the cancel button in the given dialog box? इस snapshot को हम carefully देखेंगे और बताना है कि इनमें से cancel button पर click करने के लिए कौन से option को हम use करेंगे? Option A, escape key, B, control, C, tab key and D, enter key. Correct answer is option C, tabs key. Tabs key is used to highlight the cancel button in the given dialog box. Question number 35. Virat was absent from school for one day. Virat school से एक दिन के लिए absent था. His class teacher asked him to submit the leave application for that day. He immediately went to the computer room and typed the application on the desktop computer. उसकी टीचर ने उसे लीव एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहा। वह तुरंत कंप्यूटर लैब में जाता है, कंप्यूटर रूम में गया और उसने एप्लीकेशन टाइप किया डेस्कटॉप कंप्यूटर पे। देन द टुक द प्रिंट आउट एंड सबमिटेड द एप्लीकेशन, और वह तुरंत प्रिंट आउट निकाल कर टीचर को एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। Which of the following device is not required the activity? इस activity को करने के लिए दिए गए options में से कौन से device की requirement नहीं है? Option A, printer, B, keyboard, C, desktop computer या monitor, and D, microphone. Correct answer is option D, microphone. माइक्रोफोन की हमें इस एक्टिविटी को करने में रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस डैट इज यूज टू मेक साउंड लाउडर और टू रिकॉर्ड देम। इसकी सहायता से हम साउंड को तेज आवाज़ में सुन सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएँ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाय।